परिवार के लोगों के दुख में हम सब लोग शामिल हैं और उनके हर तरह का भविष्य का भी ख्याल रखा जाएगा और सभी व्यवस्थाओं पर पूरा देश उनके साथ। देखिए परिवार उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, वो परिवार हमारा परिवार है, देश का परिवार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर मुझे आदेशित किया है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं और माननीय महेंद्र पांडे जी हमारे अध्यक्ष हम दोनों यहाँ आए हैं और जो जो भी अपने शहीद के परिवार के प्रति, सम्मान के प्रति और आर्थिक मद के प्रति पूरी उन बातों का सम्मान किया जाएगा। और आज हमने अभी पिताजी और उनकी बेटी, अब हमारे देश की बेटी है वो, उसका पूरा सम्मान हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी हो रही है उस बात को लेकर हो रही है कि यहाँ पर लाहौर चाहिए पाकिस्तान के बदले। सर सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई हैं किसी तरह की, जिस तरह से परिवार में गुस्सा था इस बात को लेकर कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, अब अंतिम संस्कार का क्या है? ये पूर्व से ही जो शासन के अनुमान्य लाभ है उसके बारे में अवगत कराया जा चुका है और कुछ उनके अप्रिहेंशन थे उसको अभी सबसे बातचीत करके एड्रेस किया गया है। मुझे लगता है जल्दी ही अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया, बना तैयार है वो। उनके कुछ अप्रिहेंशन थे फैमिली के, उनका एड्रेस कर दिया गया है। जिस तरह उनके फैमिली को राती में 12 बजे 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है ट्रांसफर हो चुकी है, खाते में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है और अन्य सारी चीजें जो है पाइपलाइन में है उनको किया जाएगा और उनका अवगत भी कराया गया है। सर जिस तरह से उनके पिता का कहना है बेटा उनका बड़ा नहीं आया है अभी तक, इस बात को लेकर भी नाराज है वो? उनके बच्चे से, बेटे से कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया पर मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से जो है संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि परिवार से बात हो चुकी है, अब अंतिम संस्कार की बात कही जा रही जल्द होगा, क्योंकि अभी तक परिवार इस बात को लेकर नाराज है कि प्रशासनिक अमला उनकी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए अभी तक शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं गया। फिलहाल शव शहीद का यहाँ गांव पहुंचा है और लोगों का गुस्सा यहाँ पर जबरदस्त तरीके से है और उबाल मार रहा है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।